हेलो छात्रों, हम ए टू जेड क्लासेस से पूरा से आप लोग को सेकेंड पाली का एग्ज़ाम, सेकेंड पाली में जो भी मैथ का एग्ज़ाम दिए होंगे क्लास टेंथ के बच्चे, मेरे पास जी नम सेट जी आया है। आप लोग किसी भी सेट आपको मिला है तो आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर के साथ लॉजिक के साथ समझाया जा रहा है। आप लोग अपना अपना सही आंसर, आप पूर्ण रूप से टोटल का टोटल सही आंसर, इसमें कन्फ्यूजन में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आंसर दिया जाएगा 100% सही रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि 462 है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो इसमें हम लोग परिधि का सूत्र लगा देंगे। वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो यहाँ पर 462 लगाते तो यहाँ से आंसर आता है 73.5। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है तो दोनों क्या होता है, तो यहाँ से आ रहा है क्या 1/2 और नोट इक्वल टू आ रहा है 3/-5, मतलब दोनों बराबर नहीं है। 1/2 नोट इक्वल टू, तो ये इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं, प्रतिच्छेद को ही हम लोग विरोधी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा विरोधी। नेक्स्ट, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, तो यहाँ से एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें काट रहा है D और E, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि AD/DB बराबर AE/EC, तो इस नियम से हम लोग 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये तो यहाँ से x निकालते हैं तो आ जाता है 8। तीन नंबर का मतलब AD/AD/DB 3/5 है तो ये 8 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, cos थीटा बराबर है तो cos थीटा होता है 1-sin² लेकिन स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो 1-sin² थीटा का रूट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ले चलते हैं फिफ्थ नंबर में। एक मीनार है, एक मीनार में दूर स्थित, तो मीनार जैसे ये मीनार है और ये दूर स्थित बिंदु है, तो दूर स्थित बिंदु दे दिया है 100 और इसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h, और तो अब नमन कोण दे दिया है 60, तो हम लोग क्या लगा देंगे tan 60 बराबर लगा देंगे कितना h/100, तो ये 100 इधर जाएगा, इसका मान √3 होता है, तो tan 60 का मान हो जाएगा 100√3 मतलब 100√3। नेक्स्ट, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध, तो हम लोग प्रथम 5 संख्या को जोड़ेंगे 1, 3, 5, 7 और 9, ये पांचों को जोड़ने पर 25 आता है, फिर 5 से भागा देंगे मान निकालने के लिए, तो 5 आंसर होगा। नेक्स्ट, TP तथा TQ, यहाँ पर देखिए एक बिंदु है और कोई बाहरी बिंदु से यहाँ से खींचा गया स्पर्श रेखा, तो हम लोग जानते हैं कि ये कोण दे दिया है 120 डिग्री, तो ये कोण 60 डिग्री होता है, केंद्र का कोण इधर आधा होता है, तो 60 डिग्री होगा और उसका भी आधा करेंगे तो 30 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या, तो गोला का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² बराबर 144 लाने पर जो आंसर आएगा वही, इसमें हम लोग का आंसर शायद गलत दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं, इससे जो आंसर आएगा वही होगा। नेक्स्ट, बाहुलक, तो जो जिसकी संख्या अधिक होता है बाहुलक, तो बाहुलक 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए मूल वास्तविक हो, वास्तविक और असमान, तो यहाँ पर हम लोग नियम लगाएंगे D > 0, तो यहाँ से आ जाता है K < 0, आंसर हो जाएगा K < 0, K < 4 मतलब A नंबर। नेक्स्ट है, 3.127 पर रैकरिंग दिया हुआ है, इसको सोल्व, तो इसको सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट ट्रिक से होता है क्या 327-3/99, तो 324/9, तो ये पूरा नहीं करता है, यदि पूरा कट जाता तो पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, अपराकृत संख्या बोल सकते थे, लेकिन पूरा नहीं करता है तो इसलिए हम लोग आंसर मारेंगे परिमेय संख्या में, क्योंकि P/Q के रूप में आ जाता है ये। यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद, यहाँ से हम लोग छठा पद लगाएंगे A+5D = 13 और A+13 बर्मा पद है, तो A+11D = 25, इसको हल करने पर A का मान आता है 3, तो A का मान 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, K के किस मान के लिए अनंत हल होगा, तो अनंत हल में हम लोग क्या करते हैं A1/A2 = B1/B2, तो 1/2 = 1/5 = 2/K, तो K उधर जाएगा तो 5×10 हो जाता है, तो यहाँ K का मान 10 होगा।
नेक्स्ट, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो समानांतर चतुर्भुज यहाँ सम चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट, अल्फा बीटा का शून्यक दे, अल्फा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो यहाँ माइनस सिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे ले तो त्रिज्या रूट हो जाता है, तो 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट, समरूप त्रिभुज का क्षेत्र भुजा का अनुपात दे ले तो क्षेत्रफल में वर्ग हो जाता है, तो क्षेत्रफल में 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। नेक्स्ट, कार्तीय तल में तो ये इसका कोटि निकालना है, तो पहला भुज होता है बाद वाला कोटि होता है, तो कोटि माइनस 4 होगा। कौशिक 45 का मान, तो कौशिक 45 √2 होता है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय के लिए √64 ये कट जाए, रूट हट जाता है यहाँ से, तो ये अपरिमेय नहीं होगा। आप लोग इसी तरह से, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बतला देना चाहते हैं कि आप पूर्ण वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, A to Z क्लासेस को, इससे आपको इससे संबंधित अन्य प्रश्नों की भी जानकारी मिलते रहेगी और संपूर्ण क्वेश्चन को आप सोल्व करके देख सकते हैं। इसमें आपको 10 क्लास की बहुत सारी जानकारी या 11-12 की इलेवन ट्वेल्व का भी वीडियो इसमें डाला जाता है। अब आप 11-12 में जाने वाले हैं तो 11-12 के भी मैथ एवं साइंस का पढ़ाई इस पे इस चैनल पे कराया जाता है। एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच है तो आयतन होगा, तो इसमें बेलन का आयतन होता है π r² h, तो आंसर डी हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान 1 होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 हो जाएगा। यहाँ 10 15 cot a = 8 है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, ये हो जाएगा बी का मान, यहाँ पर डायरेक्ट 15/17 आ जाएगा आंसर। साइन ए का मान 15/17, ए नंबर मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जोड़ के आता है √13, तो रूट करेंगे तो √13 हो जाएगा, दूरी का सूत्र लगाएंगे तो √13। 26 नंबर, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 देल है, समानांतर रेखा इसके बीच वृत्त खींचा गया, तो ये तो व्यास हो जाएगा 14, तो त्रिज्या आधा करने पर 7 हो जाती है। यदि cos a बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos² यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करके रखने पर आता है 1/2। cot 90 - θ tan θ आंसर होता है। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री दे ला है BC AC, तो ये समकोण त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो AC का मान 5 होता है, 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ 3/8, क्योंकि 8 के नीचे में 2 होगा, केवल 2 आएगा, 2 या 5 रहने पर शांत होता है, तो यहाँ आंसर ए हो जाएगा 3/8। कौशिक 90 - θ हो जाता है sec θ, और साइन 90 - θ हो जाएगा साइन 90 - θ, कौशिक 90 - θ sec θ और साइन 90 - θ cos θ, तो sec और कौशिक का मान 1 होता है, तो यहाँ से 31 का आंसर 1 हो जाएगा। 10 65 और cot 25 ये कट के 1 आ जाता है। नेक्स्ट, एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 है तो इसकी त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या हम लोग 14, अर्धवृत्त का परिमाप, यहाँ पर आप गलती का बहुत से वीडियो में गलत भी बतलाया गया होगा, तो इस पे ध्यान से देखें, अर्धवृत्त का परिमाप है तो आप लोग केवल πr लगा के बनाए होंगे, πr = 72 करके बनाए होंगे, जो कि गलत है। इसमें हम लोग को 2r भी जोड़ना है, क्योंकि ये हुआ πr और ये भी हम लोग को जोड़ना है, तो अर्धवृत्त का पूरा परिमाप कहलाया, तो πr + 2r करने से आंसर त्रिज्या का मान 14 आता है। यदि इस तरह से केवल πr लगाए होंगे तो नहीं आंसर आता होगा, तो इस पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन को देखना है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती भी किए होंगे। किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष दिया हुआ है और केंद्रक दिया हुआ है, तो तीसरा शीर्ष हो जाता है 6,0। नेक्स्ट, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसके आलेख अनंत हल रहता तो उसका संपाति होता है। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद के शून्यक है तो इसका शून्यक -1 और -2 आएगा, ये तो बहुत आपके लिए इजी प्रश्न होगा, शून्यकार आप लोग 9-10 में ही 9-8 में ही पढ़ लेते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है,
तो ये 90 डिग्री और आधा प्रतिच्छेद करता है, तो ये पूरा 30 है, तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। तो कर्ण हम लोग को निकालना है, यही निकालना है भुजा की लंबाई। तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर करने पर जोड़ेंगे दोनों को, कर्ण निकालने हैं तो जोड़ेंगे 15 का स्क्वायर 14 स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ से पी का मान निकालना है, एपी में है तो एपी में होता है दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो इसे निकालने पर पी का मान आता है 2। किस पद में जाएगा तो दोनों प्लस है तो प्रथम पद में चला जाएगा। 40 नंबर हम लोग देखते हैं, यदि बहुपद x स्क्वायर x के मूल बराबर है विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह लगाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लगाएंगे माइनस बी बटा ए फॉर्मूला, दोनों विपरीत है तो कट जाएगा, तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ से बी के जगह पर मान ए धरेंगे और यहाँ 1 धरेंगे, तो यहाँ से ए का मान 0 आ जाएगा। एक शंकु का आयतन यहाँ से 15, एक शंकु का आयतन 1570 है और आधार की क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले आधार का क्षेत्रफल से आर निकाल लेंगे और आर को आयतन के क्षेत्र आयतन के सूत्र में धारते हैं, तो यहाँ से एच का मान 15 सेंटीमीटर निकलेगा। किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप होता है 2m, विषम संख्या बोलता है तो 2m+1, लेकिन सम संख्या बोला है तो 2m होगा। नेक्स्ट बिंदु के बीच की मध्य बिंदु निकालना है, 2, -2, 3 और 4, 1 के बीच मध्य बिंदु निकालना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे हम बता देते हैं आंसर इसका आता है 1 और 2 आंसर आएगा, मतलब x का मान 1 और y का मान 2। नेक्स्ट tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा का मान, आप लोग गलती नहीं करें, यहाँ पर 1 नहीं होगा क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेके मान 1 होगा माइनस, तो माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आंसर हो जाता है cot स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर बदल जाएगा cosec स्क्वायर में, इधर 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर, और cosec स्क्वायर नीचे आएगा sin, cos बटे sin cot स्क्वायर हो जाएगा। 46 नंबर, 2 रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, एक के बिंदु पर काटेगा स्पर्श रेखा। एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या कौन कौन होता है, तो 2, 3, 5 ये आभास संख्या, तो टोटल 3 है, तो 3/6 करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, एक आभास संख्या नहीं होती है। निम्न में से कौन सी आभास संख्या, तो 29 यहाँ पर आभास संख्या होता है, संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाता है। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ये 1 के मूल का गुणनफल 8 है तो a का मान, तो गुणनफल 8 दे दिया, गुणनफल बराबर हम लोग जानते हैं c बटा a, तो 8 बराबर c के जगह पर a दिया हुआ है और a के जगह 1 है, तो यहाँ पर a का मान 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप, मैंने प्रथम पाली का भी A to Z क्लासेस द्वारा प्रथम पाली का भी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया गया। यदि आपके कोई फ्रेंड या रिश्तेदार प्रथम पाली में एग्जाम दिए हैं तो उनका भी आंसर शीट मिलवा सकते हैं, और अपने दोनों विषय दोनों पाली का सही आंसर दिया गया, इसमें किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन अन वीडियो देख कर नहीं करें।